हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मराठा शासन काल में प्रत्येक गाँव का दौरा कर उचित रूप से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वहां के लगान संबंधी दस्तावेज कौन अधिकारी तैयार करता था? क्या बोला गया है? मराठा शासनकाल के दौरान प्रत्येक गांव का दौरा कर उचित रूप से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वहां लगान संबंधी दस्तावेज कौन अधिकारी तैयार करता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बरार पांडे। ओके, बरार पांडे यह प्रत्येक गाँव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1920 में। ओके, 1920 में राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभ ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में देख लेंगे। डॉक्टर ठाकुर रामप्रसाद पोटाई, डॉक्टर राधाबाई, यति यतनलाल, इन सभी के बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राजनंदगांव रियासत में किस वंश का शासन रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से राजनंदगांव रियासत जो थी उनमें से किस वंश का शासक रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बैरागी वंश का। बैरागी वंश का शासन राजनंदगांव रियासत के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जिस समय दक्षिण कौशल क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन था, लगभग उसी समय बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजाओं का अधिकार था जो कि चक्रकोट राजा के नाम से विख्यात थे? क्या बोला गया है? दक्षिण कौशल क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन था, लगभग उसी समय बस्तर क्षेत्र में किस राजाओं का अधिकार था जो चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, छिंदक नागवंश। इसके बारे में देख लेते हैं। कलचुरी शासन काल के दौरान सन 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी बस्तर क्षेत्र छिंदक नागवंशी शासकों का अस्तित्व रहा। इस वंश के शासक चक्रकोट के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। इस वंश के शासकों ने भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण किए थे। नाम याद रखेंगे, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण किए थे। निरुपति भूषण इसके संस्थापक थे, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कलचुरी राजाओं ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, तुम्बाड़ में। ओके, कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तुम्बाड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? विश्व की पहली रंगशाला या नाट्यशाला किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कि सरगुजा जिले में। इसके बारे में देख लेते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी पर मिलती है। रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बुंगरा गुफा और जोगमारा गुफा में प्राचीन नाट्यशाला के प्रमाण मिले हैं जो विश्व की सबसे प्राचीनतम में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गुरु घासीदास के पिता का नाम क्या था? क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, क्या हो जाएगा? मंगूदास। गुरु घासीदास के पिता का नाम मंगूदास थे। इसके बारे में देख लेते हैं। महान संत गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को ग्राम गिरोध में हुआ था। इनके पिता का नाम मंगूदास तथा माता अमरोतीन बाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नलवंश के सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलवंश के सिक्के निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? अटेंगा, जो कोंडा गांव में स्थित है। यहाँ नलवंश के सिक्के अटेंगा कोंडा गांव से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ कुलिया जो कि दुर्ग में स्थित है वहां से भी इस वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नलवंशी प्रमुख ताम्रपत, रिद्धिपुर ताम्रपत, केसरी बेड़ा ताम्रपत, पांड्या पाथार ताम्रपत, राजिम शिलालेख आदि, इन सभी के बारे में देखेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था में मंडी से सब्जी बेचने के लिए कौन सा परमिट लेना पड़ता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था में मंडी से सब्जी बेचने के लिए कौन सा परमिट लेना पड़ता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, युगा। उस परमिट का नाम क्या था? युगा। युगा सब्जी बेचने के लिए लिया जाने वाला परमिट था। चाट व भाट संपत्ति की सुरक्षा हेतु एवं सैनिकों के नाम थे, यह भी याद रखेंगे, चाट व भाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। श्री ए ई नेल्सन 1909 रायपुर गजेटियर के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण छत्तीसगढ़ किले के आधार पर पड़ा। निम्न में से कौन सा एक किला शिवनाथ नदी के उत्तर में रायपुर राज्य के गढ़ में नहीं था? क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा एक किला शिवनाथ नदी के ऊपर में रायपुर राज्य के गढ़ में नहीं था? देखिए, रायपुर शाखा और रतनपुर शाखा दोनों में 18-18 किला थे। इनमें से कौन सा किला रायपुर शाखा के अंतर्गत नहीं आते, ये बोला गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर विजयपुर। विजयपुर का किला यह रतनपुर शाखा के अंतर्गत है। बाकी बचे अकलतरा, मोहदी, सिंघनगढ़, ये सभी रतनपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले किले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशों का प्रथम आयोजन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पंडित नारायण राव मेघावाले ने। किसने किया था, पंडित नारायण राव मेघावाले ने धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किया था। इनके बारे में देख लेते हैं, गांधी जी जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने धमतरी में नारायण राव मेघावाले के यहाँ विश्राम किया था। यह भी याद रखेंगे 21 अगस्त 1930 को धमतरी में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद रुद्री में जंगल सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह के संचालन की समिति के प्रथम संचालक नारायण राव मेघावाले ही थे, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में देवपाल मूची ने कहाँ पर मंदिर स्थापित करवाया था। या नाम देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में देवपाल मूची ने कहाँ पर मंदिर स्थापित करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री खल्लारी में। खल्लारी में देवपाल मूची ने मंदिर स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन बोला गया है, अध्ययन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री मिस्टर रिचर्ड टेम्पल ने। मिस्टर रिचर्ड टेम्पल ने छत्तीसगढ़ की जमींदारी प्रथा का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेवा समिति का गठन किसने किया था। निम्न में से सेवा समिति का गठन कौन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बैरिस्टर छेदीलाल ने। बैरिस्टर छेदीलाल ने सेवा समिति का गठन किया। इन्होंने हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास भी लिखा है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ष 1089 में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण कराया था। नाम याद देख लेंगे, राजा गोपाल देव कौन से वर्ष में 1089 में किस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, यह फड़िंग नागवंशी के शासक थे। इसके खोजकर्ता कनिंघम है, यह भी याद रखेंगे। इसके खोजकर्ता कौन है, कनिंघम। यह भारतीय पुरातत्व के महान निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जितने भी रियासत थे सभी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू 1946 में। 1946 में छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, महाकानंतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकानंतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है निम्न में से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू बस्तर सिहावा के जंगली प्रदेश से महाकानंतर की पहचान की जाती है। बस्तर और सिहावा के जो जंगली प्रदेश है वहाँ से महाकानंतर की पहचान की जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित किस राज्य से जोड़ा जाता है। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी के परकोटों के गण मिले हैं उसका संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित किस राज्य से जोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू आठवीक राज्य से। किस राज्य से जोड़ा जाता है, जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनके अभिलेख में आठवीक राज्य है, उनसे जोड़ा जाता है ये मिट्टी के परकोटों वाले गणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रुद्री नवागांव जो कि धमतरी में स्थित है, वन सत्याग्रह में कौन पुलिस गोली से मारा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, रुद्री नवागांव वन सत्याग्रह में कौन पुलिस वाले गोली से मारा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री मिंटू कुमार। मिंटू कुमार जो कि पुलिस वाले थे गोली से मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू खैरागढ़ रियासत थी। यह सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति मिली थी। ओके गाइस, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।